दोस्तों, ये है भारत का सिलिकॉन वैली बेंगलोर, जिसे बेंगलुरु भी कहा जाता है। ये भारत के कर्नाटक राज्य की राजधानी और यहाँ का सबसे बड़ा शहर है। बेंगलोर की स्थापना 1537 में केम्पेगौड़ा द्वारा किया गया था। ये दक्षिण भारत में डक्कन पठार में 900 मीटर की औसत ऊंचाई पर स्थित है। इसी कारण साल भर यहाँ का मौसम सुहाने रहते हैं। बेंगलोर शहर की आबादी 12 मिलियन से अधिक है और ये मेगा सिटी तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। इस शहर के ऑफिशियल लैंग्वेज कन्नड़ है, जो 42% आबादी द्वारा बोली जाती है, और दूसरी सबसे बड़ी भाषा तमिल है। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ इंग्लिश, उर्दू, हिंदी समेत कई भाषा बोली जाती हैं। बेंगलोर विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों के सौ अस्तित्व के साथ एक विविध शहर के रूप में वर्गीकृत है। बेंगलोर आज कामयाबी के अलग मुकाम पर है। बेंगलोर को नई पीढ़ी का शहर भी कहा जाता है। बेंगलोर शहर जीडीपी के मामले में भी बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं। यहाँ का जीडीपी लगभग 250 बिलियन डॉलर है, जो भारत के अर्थव्यवस्था में काफी योगदान करता है। बेंगलोर अपनी टेक्नोलॉजी के वजह से पूरी दुनिया में जाना जाता है। बेंगलोर को आईटी हब कहा जाता है। बेंगलोर में 1000 से अधिक आईटी कंपनियां हैं, जिनमें से कुछ वर्ल्ड के सबसे बड़ी कंपनियां हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, गूगल, इंटेल, आईबीएम, विप्रो, टीएससी, अमेज़न आदि। बढ़ते आईटी क्षेत्र और स्टार्टअप के कारण बेंगलोर को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। यहाँ हर साल हजारों युवा नौकरी के लिए आते हैं और अच्छे खासे सैलरी के साथ नौकरी करते हैं। दोस्तों, बेंगलोर एजुकेशन के मामले में भी बहुत आगे है। यहाँ 70 से अधिक इंजीनियरिंग कॉलेज, वही मेडिकल कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेज समेत बहुत कॉलेज मौजूद हैं। बेंगलोर यूनिवर्सिटी भारत में सबसे अधिक डॉक्टर्स का उत्पादन करता है। यहाँ का लिटरेसी रेट भारत के बाकी शहरों से काफ़ी अच्छा है। यहाँ का लिटरेसी रेट लगभग 89% है। बेंगलोर भारत का दूसरा सबसे तेजी से विकसित होने वाला शहर है। भारत में सबसे पहले बेंगलोर में ही बिजली का उत्पादन हुआ था। बेंगलोर में अच्छी तरह से बनाए गए उद्यान और पार्कों की संख्या के कारण बेंगलोर को सिटी ऑफ गार्डन्स यानी बागों का शहर भी कहा जाता है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है बेंगलोर मुंबई की तरह कभी नहीं सोता है। यहाँ पार्टीवाज की बात करें तो बेंगलोर के लोगों की तरह कोई भी पार्टी नहीं करती है। यहाँ 800 से ज़्यादा पब और बार मौजूद है। इसी कारण बेंगलोर को भारत की पब राजधानी भी कहा जाता है। दोस्तों, बेंगलोर मॉडर्न सिटी होने के साथ ही ये शहर की प्राचीन विरासत और वास्तुकला को भी प्रदर्शित करता है। यहाँ आपको गार्डन्स, म्यूजियम से लेकर मानव निर्मित संरचनाएं भी देखने को मिलेगी। बेंगलोर में ऐसे आकर्षण हैं जो आपका ध्यान केंद्रित करते हैं। यहाँ का कुछ फेमस प्लेस जैसे बेंगलोर पैलेस, कब्बन पार्क, लाल बाग, इनोवेटिव फिल्म सिटी, इस्कॉन मंदिर आदि। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिए, और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें ऐसे वीडियो पाएं।